और आइए अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। प्रयागराज में भारी बारिश से हाहाकार, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर। वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल, मणिकर्णिका हरिश्चंद घाट डूबे, गलियों में हो रहा है शवदाह, बाढ़ प्रभावितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड के बांदा में बाढ़ ने मचाई तबाही, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। कानपुर में बाढ़ बारिश से हाहाकार, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा, गलियों और बाजारों में जलभराव। मिर्जापुर में भी भारी बारिश ने लिया खतरनाक रूप, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जालौन में बाढ़ बनी मुसीबत, बारिश ढा रही है कच्चे मकान, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, सीएम योगी ने लिया हवाई जायजा। भदोही में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक बरसात का भरा पानी। शामली में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मथुरा में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने लिया विकास कार्यों का जायजा, अधिकारियों को गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए दिए निर्देश। हरदोई में झोला छाप, डॉक्टरों का बोलबाला, पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज, पेड़ की टहनियों पर ग्लूकोज की बोतल। बलिया में हाथ बांधकर शख्स की हंटर से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मथुरा में बिजली विभाग की लापरवाही, ऊर्जा मंत्री के शहर में बिजली के खंभे से चिपक कर गाय की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में 10 लाख लूटने वाले बदमाश 14 घंटे में गिरफ्तार, लुटेरों ने प्राइवेट गार्ड की हत्या कर वारदात को अंजाम दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान का उद्घाटन किया, बोले कोरोना की तीसरी लहर से बचाव में निभाएगा बड़ी भूमिका। महोबा में उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत, पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। चित्रकूट में उज्ज्वला योजना की मुस्लिम लाभार्थी महिलाओं ने पीएम मोदी और योगी का किया धन्यवाद, कहा उनके लिए भोजन पकाना हुआ बेहद आसान। हमीरपुर उरई में सीएम योगी ने बाढ़ का किया हवाई निरीक्षण, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गाजियाबाद के मंदिर में सो रहे शख्स पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने साइकिल सवार की धारदार हथियार से हत्या की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के बैंक में लूट की योजना बना रहे 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में कुएं के अंदर गिरी कार का ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शाहजहांपुर में जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मकान के अंदर छापा मारकर 14 जुआरी गिरफ्तार किए गए। उन्नाव में कोतवाल का तानाशाह रवैया, मास्क लगाने के लिए कहने पर छात्र की पिटाई। गोंडा में चकबंदी विभाग की मनमानी से किसान परेशान, चकबंदी दफ्तर के बाहर 1 किसान की मौत। कुशीनगर में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुसी, घर में मौजूद 3 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी। सिद्धार्थनगर में स्वच्छता को लेकर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। औरैया में पेड़ में लटका शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने 10 साल की छात्रा को कुचला, हादसे में बच्ची की मौत। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी ने निकाली पदयात्रा, सरकार का विरोध, बीजेपी गद्दी छोड़ो के लगाए नारे। मुजफ्फरनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चौखट पर शख्स की मौत, काफी दिनों से बीमार चल रहा था ये शख्स। बहराइच में 2 चोर गिरफ्तार, चोरी की कार बरामद। मऊ में कांग्रेस पार्टी का महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा पीएम आगे बढ़कर पाकिस्तान को शिकस्त दें तो कांग्रेस साथ खड़ी। आगरा में एसओजी और पुलिस का साझा अभियान, राहगीरों को गाड़ी में बिठाकर लिफ्ट देने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में 15 अगस्त की सुरक्षा के चलते पुलिस अलर्ट, बैंक, मॉल, सराफा बाजार, संदिग्ध वाहन की चेकिंग जारी। बाराबंकी में बीएसपी नेता से काम मांगने गए युवक को मिला अजीबोगरीब जवाब, बोले 5 लाख देकर डीडीसी का टिकट लिया, जहां वोट नहीं वहां काम नहीं, वीडियो वायरल। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोरी की 15 मोटरसाइकिल्स के साथ 2 को गिरफ्तार किया।
झांसी में शादी का झांसा देकर युवती से किया गया शारीरिक शोषण, लड़की के गर्भवती होने पर गर्भपात कराया, FIR दर्ज करने के आदेश। एटा में जमीन विवाद में दो पक्षों में बवाल, जमकर चली गोलियां, एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में ADG राजीव कृष्ण ने जनपद पुलिस का किया औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड मिले दुरुस्त, कुछ खामियां मिलने पर जांच के आदेश दिए। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता से फोन पर 5 करोड़ की मांगी गई रंगदारी, दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दर्ज, स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। रामचंद्र परमहंस की 18वीं पुण्यतिथि आज, राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन में दिया था योगदान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।